आरसीबी चेक, बड़ी अपडेट। जोशीमठ आपदा को लेकर एक समीक्षा बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। जोशीमठ के मौजूदा हालात की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कल भी सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई थी और आज भी मुख्यमंत्री ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। समझने का प्रयास कि किस तरीके से इन स्थितियों से, इन कठिन हालात से बाहर निकला जाए। तो जोशीमठ में कैसा है मौसम, इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जोशीमठ में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है और एक तरफ जहां जमीन के धसाव का मसला जोशीमठ में चल रहा है, वहीं बहुत सुंदर तस्वीर जोशीमठ से हम आपको और सभी एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि ये जोशीमठ का भव्य नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और बर्फबारी का यहाँ तमाम लोग लुत्फ उठा रहे हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी जिस तरीके से मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी कि जोशीमठ में बर्फबारी और बारिश होगी, लेकिन बर्फबारी का ये नज़ारा बिल्कुल ही बेहद बहुत अच्छा है और जिसका लुत्फ यहाँ तमाम रहने वाले लोग उठा रहे हैं। हालांकि थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि जोशीमठ में जो हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं उसकी वजह से यहाँ दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, लेकिन जो बर्फबारी का ये नज़ारा है आप देख पा रहे हैं कि करीब 2-2 फीट बर्फ यहाँ पर जम गई है और उसके बाद ये तमाम ऐसे वाहन हैं जो यहाँ पर खड़े हैं जिनके ऊपर भी बर्फ जमी है। और इसी बीच में बड़ी अपडेट देहरादून से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया है जोशीमठ से में ठीक से राहत और बचाव के काम नहीं हो रहे। ये आरोप है करण महारा का, कह रहे जोशीमठ में ठीक से बचाव और राहत के काम नहीं हो रहे। कल जोशीमठ दौरे पर गया था कांग्रेस का डेलीगेशन। राहत और बचाव के काम से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और ये बयान में जाहिर है करण महारा के, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, कह रहे राहत और बचाव का काम ठीक से नहीं हो रहा। जब 9 दिन पहले मैं वहां गया था तब मैं और आज मैं हालात और बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अगर ऊपर की बिल्डिंग टूटेगी तो नीचे की बिल्डिंग कैसे बचेगी, और जब पूरा पहाड़ धस रहा है तो उसमें उस पूरी रिज में नीचे और ऊपर के मकान में फर्क कैसे हो सकता है, ये समझ से परे है। और लोग इस बात से दहशत में हैं और सरकार और प्रशासन विस्थापितों की संख्या कम करने की नीयत से या जो फौरी तौर पर इंतजाम किए जाने हैं उसकी उसको कम करने की नीयत। करण महारा का बयान आपने देखा, आरोप सुना। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।